वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड या आई एम सो हैप्पी टुडे, दैट्स व्हाई मेरी वॉइस है, आपको पता चल रहा होगा, बिकॉज कि वो टाइम फाइनली आ चुका है जिसका मैं इतने सालों से वेट कर रही थी. यस, माय ब्रेसेस आर गेटिंग ऑफ. यस, आई एम सो हैप्पी बिकॉज आज सडनली मुझे रात कॉल आया था मेरे डॉक्टर का और उन्होंने बोला कि कल आपको, बिकॉज आज संडे है एंड आज है 1st of October 2023, सो इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन थ्री ईयर्स कि मैंने ब्रेसेस वेयर किए हुए हैं एंड आज मेरे ब्रेसेस फाइनली ऑफ होने वाले हैं जिनका मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी. आप सब भी वेट कर रहे थे बिकॉज जो भी मेरी ब्रेसेस जर्नी में मुझे पहले से जानते हैं, 3 साल पहले से, उन्होंने खुद देखा होगा कि मैं कितना इस जर्नी में सफर किया है, कितनी सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, गैप फिल नहीं हो रहा था एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं एंड फाइनली द डे हैज़ कम जब मेरे ब्रेसेस ऑफ हो जाएंगे और मैं मतलब बहुत खुश भी हूँ एंड एट द सेम टाइम मैं थोड़ी इमोशनल भी हो रही हूँ कि मेरे ब्रेसेस अब हट जाएंगे बिकॉज मुझे अपने ब्रेसेस बहुत पसंद है और ये मेरी पहचान बन गए थे इन 3 सालों में. हर कोई मुझसे पूछता था कि कहाँ से लगवाई है एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं इनके क्वेश्चंस के आंसर करके बहुत सैटिस्फाइड फील करती थी. बट अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं अब अपने एक्सपीरियंस बात के शेयर कर पाऊंगी कि मेरे आफ्टर ब्रेसेस मैं कैसे मैनेज करती हूँ और क्या क्या चीज़ें होती हैं. सो या फाइनली मैं अभी इन बेड़ियों से आज़ाद हो जाऊंगी. सो या जल्दी चलते हैं डॉक्टर के पास. और हाँ, आज मेरे स्कूल का एनुअल फंक्शन भी है, मतलब दूसरी ब्रांच का एनुअल फंक्शन है तो वहाँ पर भी मुझे जाना है, तो वहाँ के लिए मैं रेडी हो रही हूँ और वहीं से डायरेक्ट मैं मतलब पहले क्लिनिक जाऊँगी, उसके बाद मैं अपने जो फंक्शन है उसे इवेंट को अटेंड करूँगी. सो या लेट्स गो. फाइनली हियर आर माई क्लोज अप. सो आज वो लास्ट डे है जो मैं ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसके बाद मुझे रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आज मेरी लास्ट अपॉइंटमेंट है, बिकॉज आज मेरे ब्रेसेस ऑफ होने वाले हैं. तो मैं एनुअल फंक्शन के लिए साड़ी वगैरह पहन के रेडी हो गई थी और चलते हैं. तो मैं आ गई हूँ क्लिनिक पे. सबसे पहले मैं क्लिनिक पर आई थी अपने ब्रेसेस को रिमूव कराने के लिए, तो मेरी डॉक्टर बोल रही थी कि फाइनली तुम्हारी 3 साल की जो जर्नी है ब्रेसेस की वो आज ख़त्म हो जाएगी. एंड मैं बहुत खुश भी थी उस टाइम पे, मुझे बस वही एक्साइटमेंट हो रही थी कि यार मेरे दांत कैसे लगेंगे जब मेरे ब्रेसेस ऑफ हो जाएंगे. मैंने सोचा कभी बुरे ना लगे, तो मैं बस वही प्रे कर रही थी कि जल्दी से हट जाएं और अच्छे लगे मेरे दांत, इतने बुरे भी नहीं लगे जैसे पहले थे. सो या फाइनली हियर दिस इज़ द न्यू स्माइल. आप आई डोंट नो कि कैसी लग रही है, बट जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने दांतों को देखा ना, मुझे बहुत अजीब लग रहा था बिकॉज 3 साल तक मैंने ब्रेसेस वेयर किए हैं और सडनली अगर ऐसे कोई मतलब कोई चीज़ रिमूव हो जाती है तो बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है. तो मैं बहुत शॉक हो रही थी, पता नहीं मेरे पर सूट कर भी रहे या नहीं, बट डॉक्टर सेड कि तुम्हारी स्माइल अब बहुत अच्छी लग रही है. तो हाँ, मुझे लगा कि हाँ यार अच्छी लग रही होगी अगर मैम कह रही हैं तो. बट मैंने घर आके जब एक दो दिन देखा, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों, मुझे वही ब्रेसेस अपने याद आ रहे थे. बिकॉज जब कोई चीज़ सडनली आपसे दूर होती है तो उसको मतलब डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है. मैं खुश भी थी उस टाइम पर एंड आई वॉज सैड एट द सेम टाइम कि यार मेरे ब्रेसेस इतने सुंदर लगते थे, ये वो, मुझे बहुत पसंद थे बिकॉज आप लोग भी जानते हैं इतने टाइम से मैं आप मुझे अगर फॉलो कर रहे तो आपको पता है मुझे ब्रेसेस कितने पसंद है. लेकिन उस दिन जब हटे ना, मुझे बहुत, मैं इमोशनल हो गई थी, मुझे बहुत दुख सा भी हो रहा था, बट एक तरह दूसरी तरफ खुशी भी थी कि हाँ यार चलो अब इससे छुटकारा मिला, मुझे रोज़ रोज़ मतलब ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि अब क्या खाना है, दांतों में छाले, वो मुंह में छाले हो रहे हैं एंड ऑल दैट, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं. सो फाइनली मेरे दांतों को ना ऊपर से क्लीन कर दिया था, जितनी भी ग्लू, एक्स्ट्रा ग्लू जो लगी हुई थी उसको क्लीन करने का काम चल रहा था. मेरे गम्स में थोड़ा सा ब्लड भी आ गया था बिकॉज ये जो फाइलर है ये अगर हल्का सा भी लग जाए तो गम्स वैसे वीक होते हैं, तो बस और कुछ नहीं, इस वजह से हो गया था. फिर उसके बाद ये क्लीनिंग हो रही है एंड बस मुझे कुल्ला करना है और इसको स्प्लिट कर देना है. स्प्लिट करने के बाद अब मेरे जो नीचे वाले जो कास्टिंग्स लगी हुई थी, मैंने बोला डॉक्टर इनको भी हटा दो क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है इनको भी और ये बहुत इरिटेट करती है मुझे, तो उनको हटा रही है मैम. तो तब तक मैं आपके ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ जो आपने मुझसे अभी कॉमेंट में पूछे थे. कुछ ने पूछा था कि रिटेनर्स कौन से लगवाओगे आप, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था जब मैं हटवाने गई थी कि तुमको ना क्लियर रिटेनर्स लगेंगे, इनविजिबल टाइप के जो होते हैं, जैसे अलाइनर्स लगते हैं इनविजिलाइन, उस टाइप के रिटेनर्स लगेंगे मुझे. और उसका कॉस्ट मुझे बताया था 1000 रुपीज़. जो मेरे फिक्स्ड रिटेनर्स लगे थे नीचे वाले टीथ में वो मुझे 500 के पड़े थे, लेकिन जो मुझे क्लियर अलाइनर्स लगने वाले थे ऊपर की साइड में, वो वाले रिटेनर्स मुझे 1000 रुपये के पड़े हैं. और रिटेनर्स लगाने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपको 6 महीने तक लगाने हैं, 24 घंटे में कम से कम 16 से 18 घंटे मुझको पहन के रखने हैं, जिससे जो मेरे टीथ हैं वो स्टेबल रहेंगे, इधर उधर मूव नहीं करेंगे, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, जिससे लॉन्ग रन के लिए मेरे दांत अपनी शेप में रहेंगे. तो जब मैंने 3 साल इतना वेट कर लिया तो 6 महीने में और रिटेनर्स लगा लूँगी, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. तो
जिन मतलब जो भी बोलते हैं कि यार 6 महीने और रिटेनर्स लगाने पड़ेंगे, ये आप ही की मतलब आप ही की भलाई के लिए, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस और रख लेंगे तो आपकी जो लाइफ टाइम के लिए आपके दांतों की पोजीशन है वो स्टिफ हो जाएगी, एक जगह टिक जाएंगे। बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस आती है ना कि ब्रेसेस के बाद भी वापस से मेरे दांत टेढ़े हो गए, वैसे ही हो गए, कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार होते हैं, ये उन्हीं लोगों के आते हैं जो ब्रेसेस के बाद रिटेनर्स को सही से नहीं पहनते और ये ब्लेम डाल देते हैं डॉक्टर पर और ट्रीटमेंट पर। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और जैसा डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वही आपको करना है। आप ज़्यादा डॉक्टर ना बने तो अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान रखें। सो मेरी कास्टिंग ली जा रही है, मेरे रिटेनर्स बनने वाले हैं, दैट्स वाई। सो उसके बाद मेरे नेक्स्ट डे रिटेनर्स बन जाएंगे तो उसकी वीडियो मैं जल्दी आपके साथ एक दो दिन में शेयर करूँगी। एंड या मेरे लाइफ का बहुत ही मतलब एक अचीवमेंट है ये, बिकॉज मैंने ब्रेसेस के लिए बहुत टाइम पहले सोचा था एंड आई वॉज सो स्केर्ड दैट डे जब मैं मतलब एक्सट्रैक्शन कराने आई थी। सबसे पहला दिन मुझे बहुत डर लग रहा था, जब मेरे पहले दिन ब्रेसेस लगे थे उस दिन भी मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे हटवा दूँगी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पेन तो होता ही है। एंड आई टुक दैट स्टेप, टुक दैट डिसीजन, जिसके रिजल्ट्स में आज मेरे सामने हैं और आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड कि मैं इस अचीवमेंट को, इस मोमेंट को फील कर पा रही हूँ जो मैं आज फेस कर रही हूँ। आई नो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रही हूँ इस चीज़ को, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो गाइज, आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको मेरी स्माइल कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।